कितना भी सोने का कटोरा पका दो, उसको मांगना, उसको पीनी है। वही हाल इसके साथ है। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक इन अवर न्यू व्लॉग। तो अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 3 बज चुके हैं, दोपहर के 3 बज रहे हैं। एंड आज मतलब आज से गीजर स्टार्ट हो गया, कल से स्टार्ट हो गया था रात में, कल रात में गोलू ने नहा लिया था, बाकी अब आज से सब लोगों का नहाना स्टार्ट हो गया। तो आज से मैं भी मतलब अब ट्राई करूंगा डेली नहाने का, क्योंकि गर्म पानी है तो कुछ भी आलस वालस नहीं आएगा ऐसे। मतलब नॉर्मली गर्मी में मैं मतलब गर्मी में भी 1-2 दिन गैप कर दिया करता था कई बार, और ठंड में भी 1-2 दिन, कई बार 3-3, 4-4 दिन भी गैप कर देता था मैं ठंड में नहाने में। बट अब आज मैं ट्राई करूंगा डेली नहाने का। अभी फिलहाल जा रहा हूँ फटाफट से नहाता हूँ, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट लंच जो भी हो, दोनों तो सेम ही अपना रहता है, तो फिर करूंगा। माँ का इधर पे लंच चल रहा है, किट्टू इधर पे सोया हुआ है। ओए उठ जा, मेरा एक बार मैं खा ली हूँ, दोबारा खा रही हूँ। दिन में उसे कितनी बार खाती हो? मैं एक ही बार खाती हूँ, लेकिन आज खा ली है। दिन में एक बार? हाँ। 24 घंटे में एक बार खाती है? दिन में एक दो बार, तो कम से कम खाती होगी सुबह और रात को। हाँ, एक बार दिन में, एक बार रात में, लेकिन आज। अरे तो दिन मतलब 24 घंटे होते हैं। मैं सोची कि दिन मतलब क्या, मैं खाती हूँ जब स्कूल जाती हूँ तो सुबह, फिर लंच में, फिर आके, फिर रात को 4 बार। पहले मैं 5 बार खाया करता था, 5। तो ऐसे 5 ही बार समझ, शाम को जैसे नाश्ता करते तो वो भी 5 बार नहीं लगा। 9 बजे नहा ली थी, 9:30। मैं भी आज से डेली नहाऊंगा। तो अभी टाइम हो चुका है 4:18 एंड अभी मैं नहा भी लिया, नहाकर पूजा भी कर लिया। अब से ना मैं डेली नहा भी लूंगा, पूजा भी कर लूंगा, बस 2 मिनट तो लगता है, भगवान को भी याद करना चाहिए। तो अब से मैं मतलब खुद से ही प्रॉमिस करता हूँ, ट्राई करूंगा डेली नहाने एंड पूजा करने का। अभी फिलहाल मैं चलता हूँ लंच करने। तो डेली की तरह आज भी खाने में है हमारा फेवरेट खाना, दाल चावल चोखा। एंड ये क्या है माँ? भट्टे की है, मसाला देकर के उसको बनाते हैं। टेस्ट करके देखते हैं ये कैसा बना है। और ये दवाई भी है साथ में पीने के लिए। गीजर आने के बाद भी ऐसे लोग नहीं नहाते हैं। ए, नहाने जा रहा था, माही मना करेगी आज मत ना। तू बासी इंसान, कल नहाया था, आज नहाया नहीं। नहाया था ना, तो कल नहाया था, वो कल हो गया। अब आज तो अभी नहाऊंगा खा के। कल सुबह नहा लेगा। नहीं अभी नहाऊंगा। रात हो गया। नहीं बेटा, क्या मैं अभी। तो अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं एंड अभी मैं आया हुआ हूँ छत पे, क्योंकि अभी मैंने कुछ ज़्यादा ही खाना खा लिया, तो ऐसे ही मैं छत पे घूम रहा हूँ। मतलब खाना पचाने का सबसे मस्त तरीका है घूमना, इसीलिए अभी मैं ऐसे ही छत पे घूम रहा हूँ। अभी थोड़ा मतलब रिलैक्स फील भी हुआ, एकदम से ज़्यादा खाना खा लो ना, नहीं खाना खाने के बाद कुछ पता नहीं चलता, पानी पियो तो एकदम से पेट में अजीब सा ही फील होने लगता है। एंड अभी फिलहाल मौसम देखो, बिल्कुल मतलब अब तो सनसेट हो चुका है। आज सिर्फ एक लास्ट दिन है, अब कल से खतरनाक वाली ठंड और बारिश यहाँ पे स्टार्ट होगी। मैं तो मतलब क्या बोलूँ, फिर मैं देखने के लिए एक्साइटेड भी हूँ कि कैसी ठंड वापस आएगी। मतलब बीच में आई ठंड, गई, फिर ठंड आएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी जाएगी, यही सीन चलता रहता है और क्या। ऊपर अभी इतने सारे कपड़े भी डाल रखे हैं, तो अभी मैं ये उठाता हूँ एंड फिर चलते हैं नीचे। तो अभी रात के 10:48 हो रहे हैं एंड ऊपर से मैं आया था शाम को, उसके बाद आने के बाद मैं यहाँ पे अपना एडिटिंग करने लग गया, वीडियो भी बना लिया गेमिंग चैनल के लिए, एडिटिंग बाकी है। बाकी अभी चलता हूँ मैं, पहले तो डिनर करते हैं अगर बन गया होगा तो, उसके बाद फिर आकर एडिटिंग कंप्लीट कर लूंगा। मेरा डायलॉग सही रहता है ना? क्या क्या भूल गया, जब सोफा आया था तब मैंने कुछ डायलॉग मारा था तेरे ऊपर। वही हाल इसके साथ है, ये पूरा खाली पड़ा है, लेकिन ये वहाँ पे कोने में बैठ कर नीचे बैठ खाता है, नीचे जाता है और वहीं बैठ के साइड में बैठ जाता। हाँ, तो वही लोटा वाला हाल है, सोने का लोटा पकड़ा तो भीख ही मांगेगा। माँ खाना खा लो, आज फिर से टमाटर। हाँ, पापा बोले कि अच्छा लगता है। सस्ता है तो फुल मतलब फायदा उठाओ, अभी भी सस्ता है या महंगा हो गया क्या पता। उसी दिन उसके बाद नहीं आया, नहीं आया था। ये बनाओ, एक दिन वो बनाओ ना टमाटर के अंदर, वो आलू भर भर्मा, टमाटर पता नहीं, मुझे नहीं पता, वो आलू भर के सब्जी बनाते हैं ना उस टाइप का। दे दो खाने के लिए। दो क्या है? आलू पराठा नॉर्मल, घी लगा दो, घी लगा दो। नहीं नहीं होऊंगा मोटा, जिम चले जाऊंगा। बस जोक मारा है। ये चावल कब का है? 10 दिन पुराना। आज का चावल है, दोपहर का है पर चावल। नहीं, माँ को अगर एक दिन भी पुराना खाना बता दो ना व्लॉग में, माँ को इतना गुस्सा आता है, ये मेरी बेइज्जती कर रहा है। खाना को पुराना बता कैसे रहा है? माँ को ऐसा फील होता है ये बेइज्जती कर रहा है, अगर कल का भी मैं कुछ बता दिया, ओए तूने बोला कैसे कि ये कल का है। तब रोज में दोनों
दोनों शाम खाना बनाती हूँ, सुबह शाम मेरा दर्द और कमर में रहता है फिर भी दोनों शाम खाना बनाती हूँ, और तू कहता है कि कल का खाना है। अरे तो मैं मजाक करता हूँ, लोगों को पता चल जाता है खाना कोई सबके घर पे ऐसा दो दो चार चार दिन पुराना खाना थोड़े ना बनता होगा, सबको पता ही है अभी अभी बना, ये अभी अभी बना। ये जो प्लेस है ना यहाँ पे पूरा खाली खाली सा लग रहा है जब से टीवी हटा है, तो पहले यहीं पे पूरा टेबल टीवी था। तुम लोगों को सुना सुना नहीं लग रहा टीवी के बिना? माँ देखा करती थी रात में मुझे। हाँ, सही में सुना सुना लग रहा है कल से। यहाँ पे ना कचरा टाइप लगता था पूरा वायर के कारण। हाँ। टीवी मतलब दीवार में ऐसे यहाँ पे हुआ करता है ना, यहाँ पे उस टाइप से। तो अभी मैं अपने सेटअप पर लेकर आ चुका हूँ डिनर। ये रहा रोटी है, ये साथ में टमाटर की चटनी, एंड ये पता नहीं पुलाव या बिरयानी या समथिंग, पुलाव ही है चावल का, एंड ये दाल मिला है पीने के लिए। तो अभी रात के 12 बज रहे हैं, एंड आज फाइनली 12 बजे रात को ही व्लॉग एडिट हो गया। नॉर्मली ना मतलब लगभग 1 वीक से पूरा टाइम खराब हो चुका था, मतलब 9:15 पे जो अपना व्लॉग आता था वो टाइमिंग पूरा खराब हो चुका था। तो आज फाइनली मैंने रात में एडिटिंग कंप्लीट कर लिया। ऐसे मुझे नींद आने लगती थी डिनर करने के बाद, बट मतलब डिनर से पहले मैंने थोड़ा बहुत एडिट कर लिया था और डिनर करके पूरा एडिटिंग कंप्लीट कर, अब इसको फटाफट से एक्सपोर्ट करके अपलोड भी मैं कर देता हूं ताकि सुबह बिल्कुल टाइम पे आ सके। अभी इधर भी सबका डिनर कंप्लीट हो चुका है, पापा सो गए। देखो ना किट्टू चुपचाप जागा हुआ है, घुसा हुआ है बेचारा अंदर। इस किट्टू का भी ना अभी हम लोगों ने बेड ऑर्डर कर दिया, जो डॉग्स का बड़ा टाइप बेड रहता है ना वो ऑर्डर कर दिया, इसका भी आ जाएगा 2-4 दिन में, फिर ये भी अपने बेड पे सोया करेगा। ये भी अपने बेड पे सोएगा 2-4 दिन। किट्टू तुम भी अपने बेड पे सोना ठीक। ये पता नहीं इसको यहाँ सामने क्या दाग दाग होने लगे। हाँ, बचपन में नहीं था, अब देख रहे हो तो 2-4 दिन से। हाँ, हाँ, दाग धब्बे। इधर देखना किट्टू, पता नहीं ये क्या हो रहा, अगर आपको पता हो कुछ तो बताना कमेंट में। हाँ, इसको एलर्जी एलर्जी तो नहीं हुआ ना किसी चीज से? क्या पता। और अभी मैं कमेंट पढ़ रहा था तो लोग बोलते हैं कि पापा आपके सोफे पे सोते हैं, उनके लिए एक बेड खरीदो। तो ये देखो बीच रूम में ये इतना बड़ा बेड पड़ा है, इस पे कोई नहीं सोता। कभी काजल यहाँ सो जाती है, पापा यहाँ, कभी पापा मतलब वहाँ, काजल यहाँ, लेकिन इस बीच वाले बेड पे गोलू अकेला सोता है। ये वाला अकेला गोलू सोता है वहाँ, कोई सोना ही नहीं चाहता उसके साथ। क्यों बे, तेरे साथ कोई सोना ही नहीं चाहता है? अच्छा ये सो भी गया, सो भी गया। अच्छा जागा हुआ है, तेरे साथ कोई सोना नहीं चाहता, सो, तेरी कोई इज्जत नहीं है। बेचारे का कल पेरेंट टीचर मीटिंग है तो डर के मारे सो जा रहा है, नींद आ रही है तब सो रहा। नींद आ रही, कल दिन में फिर पता चलेगा कैसा आएगा रिजल्ट। देख मैं तो 20 दिन पढ़ाई हूँ, अब जैसा है। अब 20 दिन पढ़े या 25 दिन पढ़े, रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा क्या पढ़ा है और क्या लिखा है। सो जाओ किट्टू, गुड नाइट। अब इसको नींद नहीं आएगा, अभी सोएगा नहीं, मुझे भी सोने नहीं देगा। चाकू यहाँ नहीं, पेट पे मारते, सीने पे कौन चाकू मारता। इसका तो चाकू मारने का स्टाइल भी कुछ अलग ही है। मैं चाकू से खुद का मर्डर ही नहीं करूंगी। तो क्या चाबी से? नहीं तो मैं तो नाखून काटना, किसी में ताकत ही नहीं है कि अपने आप कोई आत्महत्या। लेकिन लोग तो करते हैं, करते हैं, पता नहीं कैसे होते हैं, कैसे करते हैं लोग, फांसी लगा लेते हैं, आत्महत्या करते हैं, जल जाते हैं, खुद को जला लेते हैं, पता नहीं कैसे सब कर लेते हैं। कैसे लगाते हैं बताओ? क्यों करेंगे? ये पंखे में रस्सी टांगो और गले में लटका लो। ऐसा काम कोई भी करेगा पता नहीं, गलत है जो करता है, गलत है। दो हाथ दिए हैं, दो पैर दिए हैं, उसी के कारण तो दो हाथ से फांसी लगाता है। खाओ हाथ पैर से, डिप्रेशन में जाकर करते हैं लोग, डिप्रेस हो जाते हैं माइंड से, डिप्रेस समझे, इसलिए करते हैं। इस पे मत सोया करो, कौन सोफे पे सोता है, सोफा ही टूट जाएगा। हाँ, एक दिन मैं पापा, सोफा टूट जाएगा, सोफा तो बैठने का चीज है, अजीब लोग हैं यार ये भी। तो ये वाला बेड है जो कि किट्टू के लिए ऑर्डर किया गया है, अभी इस टाइप का है, ब्राउन कलर का है। ये ऊपर से कवर वाला क्यों नहीं किया, ऊपर से कवर वाला करना चाहिए। गर्मी के दिन में उस पर नहीं रहता, ये भी ठीक ठाक है, तकिया भी साथ में ये देगा। जैसे सो कर रहा है यहाँ पे, जैसा सेम दिखा, तो तकिया वकिया भी रहा है साथ में, नीचे ये बेड टाइप भी दिखा रहा है।
ऐसे तो ये इतना सा लग रहा है फोन में, पता नहीं अब सामने कितना बड़ा होगा, तो अब सामने ही पता चलेगा छोटा या बड़ा है। तो अभी फिलहाल रात के 12:13 हो रहे हैं, मतलब क्या यूनिक टाइम हो रहा है यार, 12:13। तो अभी फिलहाल इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आपको मजा आएगा, मजा आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पे नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और भी अमेजिंग व्लॉग्स देखने के लिए। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। क्या फटा हुआ है, दिख गया शायद कैमरे में, दिख गया।